इधर लगवाया था? नहीं, घुमा माशाल्लाह। ये वाला अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो भाई एक दो दिन पहले मैंने लगाई थी वीडियो के भाई आप मेरे लिए बछड़ा पसंद करें, तो आप लोगों में बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरे लिए बछड़े पसंद किए थे। और आज राफ़ी के फार्म पे आए मैं इससे बात करने। अली भाई पीछे साथ हैं, वहाँ बैठे हुए राफ़ी भी है। तो इनमें से जो ऑप्शन आप लोगों ने बताए थे उनमें जो दो हॉट फेवरेट थे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो बछड़े कौन से थे। एक बछड़ा ये था, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत फेवर किया था, और एक बछड़ा ये था। सही है, ये जो साहिवाल वाला है बछड़ा, इस पर बहुत से लोगों की रिकमेंडेशन थी कि दिल भाई इसको करो, और इस पर सेकेंड बैच पे थी, लेकिन यहाँ पे आके पता चला ये और ये बछड़ा ये दोनों बुक हैं, ये कुर्बानी के लिए दोनों बुक हैं, तो इसको तो कैंसिल ही कर दो, वरना पसंद सबसे ज़्यादा ये आया था। लेकिन आप लोगों को पसंद आया था ये, और फिर हमें भी थोड़ी अटैचमेंट हो गई इस बछड़े से, क्योंकि इसकी बनावट ही अलग है। ये वाला नहीं, ये अभी इसको निकालते हैं, इसको चलाते हैं, फिर आप लोग देखें, फिर वापस इसकी बात करते हैं। लगवाया था? नहीं, घुमा माशाल्लाह। घुमा कोई ना, रोशनी में रोग इसे रोशनी है, इधर से आएगा। अच्छा, आगे है रोशनी, बस तो भाई ये जो ब्राउन वाला बछड़ा है साहिवाल है तो बहुत आउट क्लास बछड़ा, सही है, और आप लोगों की रिकमेंडेशन भी बहुत थी और मुझे भी काफ़ी पर्सनली पसंद आ रहा था ये बछड़ा। और अभी दो ऑप्शन बचे हैं, वैसे एक तो या तो फिर मैं एक आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन जो कि लाल साहिवाल है जो कि आप लोगों को पसंद है, और एक और बछड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। घुमा ये वाला बस ऐसे ही रख। भाई अली भाई और राफे वो बैठे हैं, सही है, पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा, बात कर रहे हैं दोनों में, बातें चल रही हैं सौदे की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं, मुनासिब नहीं समझा रिकॉर्ड करना, लेकिन ये बता दूं कि माल काफ़ी महंगा है। महंगे से मुराद जो मैं माल देख रहा हूँ ना वो पैसों में बहुत ऊपर है, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो 2-3 लाख रुपए का कोई सीन नहीं है, और 2-3 लाख रुपए मायने रखते हैं। लेकिन राफ़ी को भी अपना देखना है भाई, और ये जो राफे बता रहे ये जो बच्चे हैं ये बहुत ऊपर के हैं, ऊपर से मुराद 2-3 लाख रुपये में तो आने ही नहीं है किसी भी हालत में। मैं बच्चे दिखा देता हूँ आपको, एक बच्चा ये है जो पसंद आया था, ठीक है, एक बच्चा ये है जो आप लोगों को पसंद आया। और इस बच्चे की ख़ास बात क्या है वो मैं बताऊं कि ये जो बच्चा है ना ये 2.5-3 वाला सीन नहीं है इसका। भाई अली भाई आ चुके हैं अभी, अली भाई क्या सीन है, क्या बातें चल रही थी इतनी लंबी? यार बस नस्ल में है ये चीज़ है, आया भाई भी कहीं और से ही है, ये किसी बड़े फार्म से आया हुआ है। अच्छा, तो रिंस आउट हो रही है, मतलब इस साल का है नहीं है, और फिर इस साल में ये चीज बनेगी नहीं, बनेगी अगले साल में। ये बच्चा जो सबको पसंद आ रहा था ये वाला ना, हाँ, ये बनेगा अगले साल के लिए। सही, मैं अगले साल के लिए देखना आए थे इसके बात करने, लेकिन ये इस साल मजा नहीं देगा, वो खुद बोला है, बोला अली भाई इस साल के लिए ये जाया वाली चीज है। अच्छा, मतलब इस साल ये चीज खुल के आएगी नहीं। सही, अगर आप इस साल के लिए देख रहे हो तो छोड़ दो, अगले साल में तो हमें बहुत ऊपर पड़ जाएगा, कितने लाखों रुपए में पड़ जाएगा, बहुत। अभी है भी खीरा, ये खीरा है अभी, और ये बच्चा तो मैंने बता दिया, ये और वो ना, हाँ ये वो बराबर वाला, वो कोने वाला, ये आपको ये भी ऊपर का है नहीं भाई? नहीं ये भी इसी का है, ये तो सही है, ये और ये एक ही साथ के, लेकिन ये मैं अगले साल के लिए देख रहा था ना, तो इस साल के लिए तो ये तो डबल पैसों का हो जाएगा, अगर ये 4 का है तो 8 का, ये और ये अभी एक ही। अच्छा, इसी साल के, मतलब इस जो इस पैसों में अभी मिल रहा है ये इस साल के लिए इसने में मिल जाएगा। अच्छा, हमारी रेंज आउट होगी थोड़ी सी? नहीं रेंज आउट नहीं है, सही है ये, सही है चीज़, ये अच्छी है, मुझे, मैं तो आया था ये देखने के लिए क्योंकि मुझे ये चाहिए था अगले साल के लिए। अच्छा, लेकिन ये नहीं मिला, नसीब नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा आउट है, इतनी की चीज़ नहीं है ना जितना अगले साल का हो जाएगा ये भी है।
चलो होती ना कि बंदा चीज लगाते हैं, गुलाबी हो, कोई नुकरा हो या कोई चीज हो, है अच्छा, सिर्फ ये है कि बिचोले में आएगा, बिचोले में और नस्ल में, बस नस्ल में, कोई प्रिंट भी उधम नहीं है, क्या करें फिर, दूसरा देख लेंगे, कोई मसला नहीं, अभी तो बहुत दिन बहुत है, इसके बाद माल बहुत है, अभी आएगा उसके बाद देख लेंगे, कोई अभी कसम थोड़ी खाई हुई कि इसी महीने लेना है, जब नसीब में होगा चीज मिल जाएगी। आपको ये ज्यादा पसंद आया या वो पसंद आया? कौन सा? पीछे वाला पसंद आया था, ये पसंद आया, ये हम, मैं देख रहा था कि अगर इस साल के लिए हो जाता ना तो ये इस साल के लिए कंफर्म कर लेते, ये इस साल के लिए था और ये अगले साल के लिए था। अच्छा, लेकिन ये अगले साल इतने का पड़ा कि इससे कोई बड़ी चीज ले ले बंदा। अच्छा अच्छा, समझ गया, मतलब हाई फाई चीज आ जाए, अच्छी चीज आ जाए, क्योंकि फिर बात ये है कि लोग बोलते ना यार चीज भी एक चीज पे लगाओ भी और चीज भी उतने की ना हो तो सही है, शौक तो है, लेकिन शौक का मकसद ये थोड़ी है कि तुम कोई भी चीज किसी चीज पे भी पैसे लगा दो। ये भी है, ठीक है ठीक है। तो भाई आप लोग के सामने अली भाई और राफे पीछे बैठे हुए दिख रहे थे सौदा करते हुए, और आपस की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम बता नहीं सकते ऑन कैमरा, थोड़ी सीक्रेट होती हैं, तो इस वजह से मैंने आपको वो शेयर नहीं करी, लेकिन इतना बता दूं कि जो बच्चे आप लोग को दिख रहे हैं, जो चीज़ आपने पसंद की है, ये 2-3 लाख रुपये की नहीं है, और हमारी रेंज फ़िलहाल 2-3 लाख रुपये में बच्चा उठाना है क्वालिटी वाला। अगर हम 2-3 लाख रुपए में से ऊपर जाएंगे, 4 लाख का बच्चा उठाएंगे, फिर 2-3-2.5 लाख उसकी पलाई करवाएंगे अच्छी फार्म की, क्योंकि 40,000 तो अच्छी मिनिमम पलाई कहीं है नहीं, 40,000, और फार्म पे भी अच्छे देना है, तो कम से कम 6-7 लाख रुपए का बच्चा पड़ जाएगा, जो कि बकरे भी लिए हैं पहले से ऑलरेडी, तो पिछली बार रेंज थी अच्छी 4 लाख रुपये थी, लेकिन इस बार थोड़ी रेंज कम है, मतलब मुझे अगर 2-3 लाख रुपये में बच्चा लेना ही है तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं बकरीद में ही उठा लूँ, तो ये सीन है। तो देखते हैं, तब अभी तो वीडियो बनाते ही रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं, अभी फ्यूचर में और फार्म विजिट करेंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी सी अच्छी चीज़ लें, लेकिन वारे में लें। वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि भाई मैं, मुझे वारे में चीज़ मिलेगी ना, जो सस्ती मिलेगी मैं वो चीज़ लूँगा। अब मैं तो हमेशा शिकार पर रहूँगा कि मुझे क्वालिटी चीज़ भी 2-2.5 लाख रुपये में मिल जाए, लेकिन जब मुझे क्वालिटी चीज़ अगर 4-5 लाख रुपये मिलेगी, फिर उसकी पलाई अलग होगी, तो फ़ायदा नहीं है मेरा ऐसा काम करने का, फ़ायदा नहीं है मेरा कैटल ब्लॉगिंग करने का इस फील्ड में। तो इन शॉर्ट ये बात है कि सौदा नहीं बन पाया, क्योंकि 2-3 लाख रुपए मैं समझ रहा था मिल जाएगा, 2.5-2.73 में मिल जाएगा, ऐसा सीन नहीं है, इससे ऊपर इनके पैसे लगे हुए, और राफे ने हमारे साथ बहुत डिस्काउंट किया है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया है, लेकिन फिर भी वो डिस्काउंट हमें ऊपर लग रहा है, मतलब हमारी रेंज से बाहर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।